बिल्कुल अचानक से ही गुजरी है वो, क्योंकि वो भागते भगाते क्लिफ पे पहुंच जाती हैं पुलिस से बचते हुए, हमसे बचते हुए, लेकिन वो एक पॉइंट पे ऐसे पहुंच जाती हैं बिल्कुल माउंटेन की एज पे कि सबसे घिर जाती हैं वो। और जब पुलिस आती है उन्हें मारने के लिए तो वो पिस्टल उनसे छीन लेती है और मुझ पर पॉइंट आउट करती है। जब तब मुझे उनका बेटा विधान आके बचा लेता है और कहता है कि उत्तरा जी को कि आप मुझे ही मार दो क्योंकि मुझे आपका बेटा कहलाना ही नहीं है। हाँ, और जब वो ऐसा बोलता है दैट कि मैं आपका बेटा कहलाने से अच्छा मरना पसंद करूँगा, तो उनको एक झटका लग जाता है कि मतलब इतनी बड़ी बात बोल दी मेरे बेटे ने जबकि मैंने इसके लिए सब कुछ किया। तो बहुत उदास हो जाती हैं, बहुत ऐसा अपने गम में चली जाती हैं और वो पीछे पीछे जा रही है, उन्होंने पता नहीं है कि पीछे खाई है, और वो जाके गिर जाती हैं। और सब हम शौक हैं कि ये क्या हो गया एकदम से, और हम ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन उनकी बॉडी कहीं नहीं मिलती है, तो पता नहीं क्या हुआ। हाँ, क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत टूट चुके हैं वो अंदर से, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि 25 सालों से उत्तरा जी ऐसी हैं कि इतनी नफ़रत है उनके दिल में। उन्हें तो लगता था कि सुयश को अच्छे से उन्होंने पाला है, ये किया है सब, पर कहीं ना कहीं वो रॉन्ग प्रूफ हो गया और इसलिए वो बहुत दुखी हैं। तो इसलिए वो नहीं चाहते कि उनकी फ़ोटो पे माला चढ़े या कोई भी रिचुअल्स किए जाएँ, बिकॉज वो डिज़र्व नहीं करते उनके हिसाब से। तो मैं उन्हें समझाती हूँ पर वो मान जाते हैं फिर जब मैं समझाती हूँ। आए तो एक मॉडर्न अवतार में विद न्यू हेयर स्टाइल भी नया हो, जुड़ा ना हो, विद गाउन हो या कुछ तो ऐसा हाँ मॉडर्न लुक में, नॉट इन साड़ी एट ऑल, और झुमकेज और वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे। तो आए तो एक बैंग के साथ आए। फैंस के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप देखते हैं जीजी माँ और आप इतना पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू है मेरी तरफ से, क्योंकि आप अगर नहीं पसंद करेंगे तो हम भी कहीं नहीं दिखेंगे या नहीं चलेंगे। तो सबसे बड़ा हाथ तो आपका होता है, तो थैंक यू सो मच। और मुझे अपने राइटर्स के लिए, मतलब मैं राइटर्स का भी थैंकफुल हूँ क्योंकि वो इतने अच्छे अच्छे ड्रामाज लेके आते हैं कि आपको भी देखने में मज़ा आता है। थैंक यू।